तिरंगा यात्रा में जहां पर भी निकाली जाए उसमें हिस्सा लें, देश का गौरव और मान बढ़ाने के लिए काम करें। और ये जो तिरंगे के तीन रंग हैं, ये अगर हरियाणा के लिहाज से इनको समझना चाहो तो किसान, जवान और पहलवान, ये तीनों तीन रंग हैं इस तिरंगे के, और हरियाणा की और हमारी शान है। इनकी शान को बचाए रखने के लिए और देश के हर एक नागरिक को शानदार मूलभूत सुविधाएं मिल सके, क्योंकि देश इमारतों से, एक पत्थर से नहीं होता, देश में रहने वाले लोगों से होता है। देश के लोगों को शानदार सुविधाएं मिल सके, जब देश के लोग तरक्की करेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ देश को संवारने में, देश को बनाने में लगी हुई है। तमाम संघर्ष हमारे रास्ते में आए, लेकिन उन संघर्षों से हम झुकेंगे नहीं, उन संघर्षों से हम रुकेंगे नहीं। आप देखिए, ईमानदारी का फल देर सवेर मिलता जरूर है। इन्होंने झूठे षड्यंत्र करके संजय सिंह जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर होंगे। आज हमने कलायत में, बालू गांव में ये तिरंगा यात्रा निकाली, उसका एक विशेष कारण भी था। जब हम गांव-गांव में लोकसभा चुनाव में भी और वैसे भी जा रहे हैं लोगों के पास, तो पता लग रहा है कि कलायत के गांव में पीने का साफ पानी तक नहीं है। मतलब आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन पीने का साफ पानी भी अगर देश के नागरिकों के पास नहीं है तो फिर इसका मतलब एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए सांकेतिक तौर पर आज कलायत के अंदर बालू गांव में ये तिरंगा यात्रा निकाली। ऐसी तिरंगा यात्राएं गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में, घर घर पे निकाली जाएंगी और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये मूलभूत सुविधाएं देश के हर नागरिक को मिल सके, इसके लिए अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे और